you are someone who has managed to figure out the perfect recipe to balance Bollywood and independent music. अब बताइए जरा शेयर करो क्या है ये how do you do this? Honestly मेरे दिमाग में ऐसे Bollywood और indie का segregation नहीं है. I've grown up listening to Bollywood and independent music, so maybe I'm the child of 2024 में आपका पहला गाना है ये. Was there a reason that you were taking your time and you know you wanted to just work on your music? Independent music में ये थोड़ा सा रहता है कि आपको बहुत काम खुद ही करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है टू माउंटेड टू कंपोज टू मेक द वीडियो टू प्रोड्यूस टू डू सो मेनी थिंग्स सो इट टेक्स टाइम. कैन यू टेल अस दैट व्हाट हैज बीन द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग दैट यू हैव प्रॉब्ली डन आफ्टर अ ब्रेकअप? आई हैव लॉक्ड मायसेल्फ इन माय हाउस एंड जस्ट प्लेड वीडियो गेम्स. जब अगर ऐसा कुछ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. लाइक आई एम नॉट गोइंग आउट, आई एम नॉट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड, सो या दैट्स व्हाट आई हैव डन. अंबर आधे हो गए बदल अच सो गए असी सजना एक दूजे विच खो गए इश्क दे हो गए असी सजना. What is beautiful about the track is that your voice there, B Prak and Rumi is the मतलब Rumi की वो line डोला. कितने देखे आपने, कुछ कौन से funny funny वाले देखे? ऐसा तन्मय is like मेरा डोला नहीं आया डोला. मैंने पहले तो मेरे को ना ये funny तो नहीं है but then everybody is laughing and like then अच्छा like होगा फिर but तन्मय has a thing like he just can make fun out of but can you imagine like the song having a different meaning to it all together. Yeah, exactly. Hi, this is Jasleen Royal and you are watching me on Bollywood Hangama. She's better known as a one woman band jinhone apni career ki shuruaat ki in 2014, which means we are celebrating 10 years. Oh, wow, you make me feel old. Jasleen Royal. Yeah, but Jasleen Royal. Jasleen Royal, how are you doing and welcome to Bollywood Hangama. So good to see you. I'm so happy to see you. मतलब न जाने कितने इंटरव्यूज, कितने ज़्यादा इंटरव्यूज पर मैंने तंग किया है जसलीन को. मुझ पर आरोप लगे हैं कि मैं बहुत गाने गवाए हैं बट एक ही गाना गवाया है. हाँ, ऑफ कोर्स, दिस वन सॉन्ग दैट आई फेल्ट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री. कैसा लग रहा है यार, 10 साल कैसा लग रहा है यार? ऐसे मत बोलो बार बार, ऐसे मुझे बहुत ही ओल्ड फील हो रहा है यार. आई मीन लुक एट यू, लुक एट दिस फुल परिवर्तन. I remember you coming into my studios with like, I don't know, chashma ya phir with your entire chashma. Instrument and yeah, your specific coffee. But it's great. Okay, so my first question to you is, you are someone who has managed to figure out the perfect recipe to balance Bollywood and independent music. अब बताइए जरा शेयर करो क्या है ये, how do you do this? Honestly मेरे दिमाग में ऐसे Bollywood और indie का सेग्रीगेशन नहीं है. म्यूजिक इज़ म्यूजिक फॉर मी, क्योंकि जब दिन छगना था आई पुट इट ऑन माय चैनल एज एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग, देन इट गॉट पिक्ड अप इन फिलौरी एंड इट बिकेम व्हाट इट बिकेम व्हेन अनुष्का विराट गॉट मैरिड. सो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है. मुझे बिकॉज आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू बॉलीवुड एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक, सो मे बी आई एम द चाइल्ड ऑफ इंडिपेंडेंट. बट डू यू हैव दैट थिंग इन यू कि दैट अरे रे इतना अच्छा गाना बन गया ये मैं इंडिपेंडेंट पे ले रख देती हूँ और फिल्म में नहीं डालते? तो नॉट रियली. एक्चुअली आई एम नॉट कंपोजिंग फॉर फिल्म्स एनीमोर. ओके, आई हैव टेकन दैट रूट. आई डोंट फील लाइक राइट नाउ, मे बी लेटर आई फील लाइक, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई इंडिपेंडेंट जर्नी, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा मजा आ रहा है. आई लव इट. एंड हमें भी मजा आ रहा है. अच्छा, मतलब वो भी है ना इम्पोर्टेंट. Maybe it's that exchange. Absolutely. So let me go ahead and say this, that today I'm not going to get you to sing Preet. Thank you. I'm taking this. मैंने ऐसे ये ले लिया है प्रण. So for people who don't know, no matter what song I've come to promote at her show, और 10 साल हो गए जैसे कि, तो काफी गाने आए मेरे बीच में उस दौरान 10 साल. So she's always made sure that कुछ भी ठीक है, नया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्रीत गा दो. लेकिन गाइस वो आर वाचिंग दिस इंटरव्यू वुड अग्री कि प्रीत क्या गाना है यार, तो मैं फोर्स नहीं करूंगी. लेकिन अगर मन किया, अगर जसलीन ने कहा, क्योंकि आई हर्ड दैट सम न्यू वर्जन एंड ऑल यू हैव क्रिएटेड, आई डोंट नो,
तो फिर मतलब कहा देना ठीक है बट जस्ट अगर जस्ट इन केस मेरे दिमाग में आया आपको देख के ब्लिंक तो ब्लिंक ट्वाइस एंड आई विल से तेरा प्रीत गा दो जस्ट ब्लिंक ट्वाइस एंड आई नो बट देयर इज अ ब्रांड न्यू ट्रैक दैट हैज कम आउट 2024 में आपका पहला गाना है ये वाज देयर अ रीजन दैट यू वर टेकिंग योर टाइम एंड यू नो यू वांटेड टू जस्ट वर्क ऑन योर म्यूजिक सो आई हैव कंपोज्ड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स तो मुझे लग रहा है अभी फट ऐसे ऐसे करके आएंगे गाने बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ये थोड़ा सा रहता है कि आपको बहुत काम खुद ही करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है टू माउंटेड टू कंपोज टू मेक द वीडियो टू प्रोड्यूस टू डू सो मेनी थिंग्स सो इट टेक्स टाइम बट देयर इज सो मच स्टफ विच इज ready to be released now which I'm going to put so abhi wo 6 mahine ka I'll compensate we also forgot to like give an introduction a formal introduction to this beautiful baby of yours Kobe love of my life hi Kobe nice to meet you this is the very first pehli baar ek interview mein matlab main pehli baar interview kar rahi hu aise to bahut sahi lag raha hai and he's there in Nitnit also exactly yeah. या पर इंटरव्यू में मैं मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है म्यूजिक वीडियो में आ चुका है मुझे अपना प्यार भी दे रहा है इट डिजर्व्स एन इंटरव्यू ऑफ कोर्स वी लव यू जस्ट डोंट बार्क एट मी वी लव यू ओके सो असी सजना इज अ ट्रैक व्हिच आई थिंक दैट इट्स द न्यू एज ब्रेकअप ट्रैक ब्रेकअप क्यों बोल मतलब ब्रेकअप नहीं कहना चाहिए यार बट लाइक लेट्स कॉल इट हाई स्पिरिट जिसका ब्रेकअप हुआ है उसके लिए ब्रेकअप जिसको प्यार हुआ है सब चला है सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस ट्रैक सो एक्चुअली इट वाज कंपोज्ड लास्ट ईयर ओके इन माय स्टूडियो वी वर जस्ट एंजॉयिंग द वेदर लाइक वी वर जस्ट हैविंग कॉफी एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन मी इंटेंस एंड आदित्य इंटेंस हैज प्रोड्यूस्ड द ट्रैक एंड आदित्य हैज रिटन द ट्रैक वी जस्ट हैविंग फन एंड मेरे को कुछ मेलोडी आई तो आदित्य थ्रू सम लिरिक्स एट मी एंड इंटेंस इज लाइक दिस इज द बीट गाइस लाइक कम ऑन सो वी जस्ट क्रिएटेड दैट सॉन्ग एंड इट फेल्ट लाइक the perfect summer track and that's why I waited for a year to release it because I wanted people to listen to it like how I heard it in my head so it's like that track that makes you want to travel that makes you want to fall in love with life or your favorite person or anything that you love so it's all things love that track Justine you know when you say that you know you're creating more stuff for yourself aur ye jo aapne elements bataye kya ye aapka ek base rehta hai hamesha do you always wanted to be this easy listening breezy kind of a track that can go in any direction jaise we can't put it in a category it can't just be a breakup song jaise aapne beautifully kaha ki pyar hai to pyar wala gana hai wagaira wagaira so is this something that you work on not really like maybe that's how मे बी मेरे सबकॉन्शियस से ऐसे बाहर निकलता हो बट ब्रेकअप सॉन्ग भी बनाया है मैंने लाइक नित इज अ ब्रेकअप सॉन्ग रांझा वॉज अ ब्रेकअप सॉन्ग इट जस्ट इन द फिल्म इट वॉज यूज एज अ लव सॉन्ग सो देन इट बिकेम अ लव सॉन्ग इफ यू लिसन टू द लिरिक्स क्लियरली केयरफुली इट वॉज अ ब्रेकअप सॉन्ग सो ऐसा नहीं है मतलब जो उस टाइम फील हो रहा होता है अमेजिंग वीडियो की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वी हैव सीन दैट इन दस्तूर आल्सो व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक दैट वाज एंड सो वेल शॉट तो इस गाने की जो कहानी थी हाउ डिड इट ऑल कम अलोंग लाइक आई सेड इट वाज अबाउट ऑल थिंग्स लव एंड जस्ट लिविंग लाइक आई मीन लाइक जस्ट गोइंग थ्रू योर लाइफ विद लव या सो I didn't think too much like when Sharik, my director, pitched the concept to me like, you know, he's feeling this way, like the character should go on a solo journey and all of that. And I was like, wow, that's very cool. So it felt like it's part of the world of the song. Yeah. So that's how it. Have you done solo trips? Bahut pehle. Okay. Because I started working really young, like when I was 14 and then when I came to college, I used to travel a lot for gigs. So mera wo jo tha, ek wo keeda hota hai na. अकेले ट्रैवल करना अकेले दुनिया देखनी है Correct. वो तब हो गया अभी आई नीड पीपल आई नीड माय डॉग्स और आई नीड समबडी या आई थिंक आई नीड माय स्पेस आल्सो बट आई नीड लाइक कोई हो साथ में थोड़ा सा समवन टू कम बैक टू हां और समवन टू गो विद आल्सो लाइक वी कैन मतलब अपना करेंगे अपना आप जाओ घूमो बट आसपास होना चाहिए मेरे को अभी ऐसा लगता है लाइफ में वेरी नाइस तो गाने के
हर किसी का एक अलग मीनिंग हो सकता है एंड ऑल दैट. सो आई एम गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ द फैक्ट दैट अ ब्रेकअप फॉर एग्जांपल. अच्छा. सो कैन यू टेल अस दैट व्हाट हैज बीन द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग दैट यू हैव प्रोबब्ली डन आफ्टर अ ब्रेकअप. वियर्डेस्ट तो नहीं, सबके अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं. सो आई हैव लाइक आई हैव लॉक्ड माई सेल्फ इन माई हाउस एंड जस्ट प्लेड वीडियो गेम्स. जब अगर ऐसा कुछ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. लाइक आई एम नॉट गोइंग आउट, आई एम नॉट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड. सो या दैट्स व्हाट आई हैव डन. एंड देयर इज अ फेज लाइक आई वाज जस्ट कॉलिंग माय बेस्ट फ्रेंड एवरी डे एंड शी इज लाइक आई नो यू फीलिंग दैट वॉइड इन योर लाइफ राइट नाउ बट लिसन यू नीड टू स्टॉप कॉलिंग 10 times per day. Like fair enough. So then I got myself busy and then I started doing other things. Nice. But she was damn sweet. She would just like listen to me. Like she would go to the washroom. She's works in a corporate. She would go to the washroom and take my calls. पहले कुछ दिन उसे किया. Actually, ये realize हुआ मुझे कि breakup चाहे अपना हो लेकिन फंसते हमारे दोस्त हैं. I know. And then she came to surprise me all the way from Singapore for one day. I was like, friendship goals. I can't beat that. Do you get a writer's block or a creative block because something's going on or maybe there's so many back-to-back recordings that are happening, and how do you overcome it? Of course, like you hit a creative block and some days like it's your day. So, sab kuch nahi aa raha hai, bahar aa raha hai. Like whatever, like melodies are flowing and you're just recording. Ek ke baad ek ke baad ek ke baad. Kabhi kabhi nahi bhi aati hai, but it's a process. You have to be able to face that emptiness. क्योंकि कुछ इसका कुछ formula नहीं है कैसे आता है, कैसे मैं कैसे अपने आप को train करूँ. वो करते 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 you get better at it. But you have to be comfortable to be able to sit with no clue in the world how you're gonna make this song. And it eats you from inside. But it comes also. So you just have to be patient. And also I follow this thing that जैसे मैं usually एक diet follow करती हूँ, like I'm disciplined like that. बट जब मैं कंपोज करने बैठती हूँ तो मैं जो मेरे मन में आता है मैं खाती हूँ. बिकॉज आई एम लाइक आई कांट यूज माई विल पावर और स्ट्रेंथ टू स्टे अवे फ्रॉम लाइक जंक फूड और दिस. जो मेरे को मन करता है चिप्स खाने का तो मैं चिप्स खाती हूँ, मेरे को मन करता है पिज्जा खाने का तो मैं पिज्जा खाती हूँ. आई जस्ट कीप माई सेल्फ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस कि मैं अपने आप को कुछ नहीं मना नहीं करूँगी. ऐसा क्रिएटिव ब्लॉक बट कहाँ यार मुंबई में, वेयर कैन यू गो ऑन अ ड्राइव. गाड़ी निकालते निकालते आप ट्रैफिक में अटक जाते हो. देयर वाज अ टाइम वेयर लॉन्ग ड्राइव्स यूज्ड टू बी अ थिंग. नहीं जैसे अब जो नजदीने सारे है उसका हम पूरा गाना कंपोज कर चुके थे. नजदीने सारे रल मिल के आज डुल के ले सारे के सारे नजारे. अब इसके आगे नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था. The next day, we went on a drive, me and my lyricist, Aditya, who was a very close friend. So, we got out of the car, like you said, where will you drive in Bombay? So, we were on traffic signal. So, I told him, Kasmanu Khani. So, that song was complete. Oh. Bombay's traffic light. What the hell? I can't complain. आया ना गाड़ी में. वाह वाह वाह. नजदी ने सारे ब्रॉट टू यू बाय मुंबई ट्रैफिक. बहुत बढ़िया यार, टू कूल. अच्छा, इज देयर अ सॉन्ग दैट टुक द लॉन्गेस्ट टू क्रिएट, टू कंपोज, टू रिकॉर्ड? क्योंकि वही क्रिएटिव ब्लॉक चल रहा था, यू गोइंग बैक एंड फोर्थ अबाउट इट. क्रिएट करने में इतना टाइम नहीं लगता, बट ऑफ कोर्स लाइक जैसे रांझा बना मेरे से, और इट वाज जस्ट देयर लाइक लाइंग देयर. कोविड हैपेंड एंड इट रिलीज आफ्टर 4 years ऑफ इट्स making. Then Heere also, like it was just there 3-4 years it took me to release it. So it takes time, but my god, the reels on Heere, yeah, oof. The transition reels, thanks to your composition. Now, you made it. I made it too. Yes. Yeah, I made it too, of course. Kabhi kabhi aisa lagta hai humne pressure mein aa gaya, are banana padega, it's trending. That's good pressure. But tell us the story of Ranjha na. Ranjha, like, actually मेरे को याद आया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड वॉज गोइंग थ्रू ब्रेकअप बैक देन, इसलिए वो मेरे फोन उठाती है. अच्छा. अब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, बाथरूम में जा जाके ऑफिस में, बिकॉज आई वॉज रियली देयर फॉर हर. शी वॉज स्टेइंग विद मी, शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड ब्रेकअप. एंड आई थिंक इट वॉज जस्ट लुकिंग एट हर एंड फीलिंग सो सैड, एंड इट वॉज जस्ट हर पेन दैट आई वॉज जस्ट कैरिंग.
I was feeling very overwhelmed with it. Of course, she was going through worse. It's just that, like, because I'm attached to her, so I could not see her like that, so broken. So I just went to the studio and I started playing something, and Ranjha came out. Like, the melody of Ranjha came out. And it was not my heartbreak. It was not my story. It was her story that I just put in a song. But what is beautiful about the track is that there are such unique voices in it. And with different kind of... kya kahein, layering to it, you know, like your voice there, Biprak, and Rumi is there. Oh, matlab Rumi ki wo line Dola. Kitne dekhe aapne kuch, kaun se funny funny wale dekhe? I saw Tanmay is like, mera Dola nahi aaya Dola. Maine pehle to mere ko lagta ye funny to nahi hai, but then everybody is laughing. I was like, then acha, like hoga phir funny. But Tanmay has a thing, like he just can make fun out of but anything. But can you imagine like the song having a different meaning to it altogether. Yeah, exactly. Even like Heeriye mein jab that sound, and everybody started tripping on it. I was like, okay, but chale, theek hai. It's good. Like, it's getting popular. Yeah, ho jata hai. People are talking about it. It's good. Theek hai. Ab ek gana to banta hai. Let's listen to Asi Sajna. Okay, done. Sunaiye na to. Le jaave jind ve sehra te safar te ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਣ ਖਿਲਦੀ ਸਹਿਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰ ਵੇ ਯਾਰੀਆਂ ਵਿਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਵੇ ਰਜੀਆਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਖੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਜਣਾ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਜਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ Music in the purest form, yeah. This is what you give, Jasleen, really. I mean, you're someone we can keep listening to. Thank constantly, you so much. Again and again. It's just, I don't know how you do it. Thank you. Kabhi aisa hua that when you had started your career, did you feel the need that you had to sound like someone else because you've got such a unique voice? So, kabhi kabar, wo uniqueness bhi apnana bada difficult ho jata hai because people keep saying, arre, ye awaaz alag hai, alag hai. So, did you go through that? Not really, just say, because I was always listening to people who had unique voices. Like, I used to like adore it. Matlab main apni tareef nahi kar rahi hu, main bol rahi hu mera thought process kya tha. Like Amit Trivedi sir, Rehman sir, Lucky Ali sir, like all these people had like very unique voices, and I was just tripping on these voices. And also when I sang Love You Zindagi, and Amit sir told me, what a texture you have, like you're blessed. So I felt like good only about like the text I had, because I was getting validation from somebody I looked up to. Seriously. And even Sneha, when she called me to dub, and she's like, she, even though I'm not a perfect singer, like I know that, I am aware, I try to keep working on it, I'm an accidental singer, but I don't know, I just, I'm a composer first, so also, because I didn't have any other people who sang my compositions, so I became a singer, and somehow people accepted it and they gave me so much love. So that's how I became a singer. So I didn't think about it ever. Yeah. But it definitely keeps you a lot different from so many singers, which is great. Versatility is very important. And songs paana bahut mushkil ho jata hai. Aise Sneha ne kaun se gaane ke liye aapko kaun se gaane ke liye bulaya aapko? Sneha ne mujhe bulaya, ek film thi khoobsurat, ha ha ha, kaun sa gaana? Can you sing like which song? I mean, I don't know why you laughing. That's my first song. Sneha composed it so beautifully, and it's called Preet, and I'll sing a few lines for you. Okay, if you insist. काश के वो हो जावे नींद मेरी खुल जावे और कोई कह दे हमसे कि सपना था पर ये सच ना था क्या जानूं मैं कौन है सपना और सच कैसा होए जो मैं जानती
के प्रीत में पागल होए तो ढोल नगाड़ा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई जो मैं जानती के मन खुद बैरी होए तो नगर डिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई प्रीत न करियो कोई मुझे याद है यू टोल्ड मी दैट डैम नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड आई एम सिंगिंग प्रीत ये होना चाहिए व्हाट आई थिंक ऑफ यू लाइक प्रीत अभी प्रीत गाना पड़ेगा सो नाउ कमिंग बैक टू जैसे हमने कहा कि हमारे लिए तो ये गाना जो है आपका नया वाला इज लाइक ब्रेकअप सॉन्ग सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस ओके इट्स नॉट अ ब्रेकअप सॉन्ग बट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू ब्रेकअप रिलेटेड आप मुझे बताइए कि दैट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट ठीक है सबसे पहले दैट डू यू बिलीव इन बीइंग फ्रेंड्स विद योर एक्स नो क्विक था विल यू जज योर एक्सेस न्यू गर्लफ्रेंड जज तो थोड़ा तो करोगे कि हाँ अच्छा नहीं नहीं ओके एनीवे आई हैव सेड लाइक आई एम नॉट इन टच ओनली नो ठीक है आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर वर्ल्ड ओके गॉट इट इज इट ओके टू कीप द गिफ्ट्स दैट योर एक्स गेव यू या इट लाइक यू कांट रिमूव एवरी हैप्पी मेमोरी फ्रॉम योर माइंड इट्स गुड लाइक यू कैन थिंक अबाउट द हैप्पी टाइम्स नॉट बी बिटर अबाउट इट शुड यू अनफॉलो योर एक्स ऑन सोशल मीडिया म्यूट unfollow नहीं unfollow थोड़ा is immature हाँ. muting is like कभी-कभार stalk करना भी जरूरी है नहीं I don't oh should you ignore your ex if you bump into him at a party no civil is it okay to answer his calls late at night if there's an emergency yes I'm always there बहुत सीधे साधे जवाब दिए यार वेरी नाइस ऑनेस्ट मैं हूँ हमेशा रहूंगी दोस्त रहूंगी नहीं मुझे नहीं चाहिए दोस्ती बट हाँ. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हूँ सुपर हाय दिस इज जसलीन रॉयल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा